इस्पात राजभाषा अवार्ड 18-19 और 20-21 का किसको मिला है? ये कहाँ पर हुआ था? ये पूरा और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? चंद्र प्रसाद सिंह। और ये सीएमडी ऑफ एनएमडीसी कौन है? श्री सुमित जी। श्री सुमित जी। एनएमडीसी का हेडक्वार्टर और एनएमडीसी का फाउंडेशन कब हुआ था? ईडीएसएटी का हेड किसको बनाया गया है? डीएन पटेल। नाम ये पहले क्या थे? ईडीएसएटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? उसका हेडक्वार्टर। और किसको मिला इस बात राजभाषा अवार्ड? परिसर का सीएमडी कौन है? सुमित। रिलायंस ओपन्स इंडिया बिगेस्ट बिजनेस एंड कल्चर हब इन मुंबई। रिलायंस के द्वारा इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस और कल्चर हब खोला गया है मुंबई में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ द जियो वर्ल्ड सेंटर विच विल बी इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस मल्टी फेसेटेड डेस्टिनेशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा जियो वर्ल्ड सेंटर खोला जाएगा जो कि लार्जेस्ट इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस और कल्चर हब होगा। ये मुंबई में खोला गया है। रिलायंस कंपनी के हेड कौन है? प्रियंका नुटाकी बिकम्स द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। प्रियंका नुटाकी यह बनी है 23 नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर इंडिया की। ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से। प्रियंका नुटाकी किस खेल से संबंधित है? कितने नंबर की बनी है ग्रैंड मास्टर? वुमेन। और ये कहाँ से है? विजयवाड़ा। इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट हेल्ड इन बेंगलुरु। इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु कर्नाटक। द प्रीवियस एडिशन वेयर होस्टेड इन दुबई एंड द यूके एंड एड्रेस्ड बाय एस्टीम्ड स्पीकर लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ द यूके बोरिस जॉनसन एक्सेट्रा। अभी का इंडिया ग्लोबल फोरम का एनुअल समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? और यह बेंगलुरु में फर्स्ट ईयर एडिशन हुआ है। अभी इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट कहाँ पर हुआ? 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस और कल्चर हब कहाँ खोला जा रहा है? मुंबई के 15 पुरा कॉम्प्लेक्स। एनएमडीसी को किसका फर्स्ट प्राइज मिला है? कौन उसको रिसीव किया था? डीएन पटेल को किसका चेयरपर्सन बनाया गया है? ईडीएसएटी का हेडक्वार्टर और इसका एस्टेब्लिशमेंट किस क्रिकेटर का? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का मैन होता है। टी राजा कुमार ने प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का प्रेसिडेंस बनाया गया है टी राजा कुमार को। ये सिंगापुर से हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेसिडेंस किसको बनाया गया है? इज अपॉइंटमेंट इज फॉर ए सेट टू इयर्स टर्म विच बिगिन ऑन 1st जुलाई। ड्यूरिंग द एफएटीएफ प्लेनरी ही वाज चूजन टू सक्सेस प्रोग्राम मार्कस प्लेयर ऑफ जर्मनी। ये किसको सक्सेस करेंगे? मार्कस प्लेयर। एफएटीएफ का इसको प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? ये किस देश से है? और इससे पहले कौन थे? मार्कस प्लेयर। कहाँ से? एफएटीएफ का हेडक्वार्टर पेरिस। बैंक बोर्ड ब्यूरो इंट्रोड्यूस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पीएसबी। पब्लिक सेंटर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा एक डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है।
बैंक बोर्ड ब्यूरो इसका इस्टेब्लिशमेंट ये हुआ था 2016 में। लास्ट क्या लिखा है इसमें? पाकिस्तान अगेंस्ट प्लेस्ड ऑन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रिटर्न किया गया है फिर से, और इसमें अब की बार यूएई को इसमें ऐड किया गया है। एफएटीएफ का फोर डे का डिसीजन ये 1 से 4 मार्च 2022 को हुआ, इसका मीटिंग उसमें यह लिया गया था। फ्रांस पेरिस फ्रांस में एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एफएटीएफ का फाउंडेशन कब हुआ था? 1989 में। इसका मेंबर हेडक्वार्टर और इसके प्रेसिडेंट कब से ये ज्वाइन करेंगे उसमें? 1 जुलाई से, इससे पहले वाला न्यूज में था। इसको रिप्लेस किए हैं और टी राजा कुमार। एफएटीएफ में दो देश को, एक देश को जोड़ा गया, एक को रिटर्न किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्स द स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज अनवील्ड द टॉल स्टैच्यू ऑफ ग्रेट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज इन पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति बनाया गया, मूर्ति को अनवील्ड किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, और यह बनाया गया 1850 किलोग्राम ऑफ गन मेटल, और यह लंबा है 9.5 फीट लंबा है, और इसमें 1850 किलोग्राम गन मेटल का यूज किया गया है, और इसके साथ ही यह 12 किलोमीटर स्ट्रेच का जो 12 किलोमीटर लंबा 32.2 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कि पुणे में किया गया था 11,400 करोड़ में बना था, उसी में जो गए थे उसी में के दरमियान ये मूर्ति का अनवील किया गया। एफएटीएफ का प्रेसिडेंट इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु में। 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस और कल्चर हब कहाँ मनाया जा रहा है? कंपनी के द्वारा। इस्पात राज्यसभा अवार्ड किस संस्था को मिला है? उसके प्रेसिडेंट कौन है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, और फाउंडेशन 15 नवंबर 1958। चेयरपर्सन ऑफ टीडीएसएटी डीएन पटेल ये पहले क्या थे? इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका हेडक्वार्टर पर कैपिटा नेट स्टेट में 1 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन में कौन सा स्टेट है? और यह किसके द्वारा बताया गया यह रिपोर्ट? मोसिडी के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का निधन हो गया, उसका नाम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का की बार कहाँ पर हुआ था? बार्सिलोना स्पेन में, और इसका चेयरपर्सन कौन है? स्टेफनी रिकार्ड।